नोएडा में एक सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ है। उलझी हुई सी इस कहानी में कई पेच है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको आसानी से समझा पाए। इस कहानी में तीन किरदार हैं, पायल राठी, अजय ठाकुर और हेमलता, जिसकी हत्या हो गई। पायल के माता पिता ने कुछ महीने पहले कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। पायल इसका जिम्मेदार अपने फुफेरे भाई सुनील को मानती थी। पायल और अजय ठाकुर की 2 साल पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। इस बीच पायल की शादी तय हो गई थी, लेकिन पायल तो बदले की आग में जल रही थी। उसने एक खौफनाक साजिश रची। टीवी सीरियल कबूल है देखकर पायल को एक खतरनाक आइडिया आया। पायल ने हेमलता से दोस्ती की, जो उसकी ही तरह दिखती थी। उसने हेमलता को अपने बुढ़पुरा स्थित घर पर बुलाया। घर वालों को नींद की गोली देकर पायल और अजय ने हेमलता की हत्या कर दी। इसके बाद उसका चेहरा तेजाब से जला दिया। पायल ने हेमलता को अपने कपड़े पहनाए और उसका चेहरा तेजाब से जला दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। पास में ही एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें लिखा था, मेरा चेहरा जल गया है, मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती, इसलिए आत्महत्या कर रही हूँ। इसके बाद पायल और अजय फरार हो गए। हेमलता की लाश को पायल की लाश समझकर उसके घर वालों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। उधर 27 नवंबर को बुलंदशहर के आर्य मंदिर में अजय और पायल ने शादी भी कर ली। हेमलता के भाई ने अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। हेमलता के मोबाइल को ट्रेस करते हुए पुलिस अजय ठाकुर तक पहुंची। पुलिस ने जब अजय से सख्ती से पूछताछ की तो सारा मामला खुल गया। पुलिस ने हेमलता के कपड़े और मोबाइल बुलंदशहर में उस कमरे से बरामद किए जहां शादी के बाद पायल और अजय रह रहे थे। बता दें कि अजय और पायल अपने बुआ के बेटे सुनील की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने तमंचा भी खरीद लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो एक और मर्डर कर पाते, पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।